दुख दर्द बांटने के लिए पहुंच चुकी हैं लालू की बिटिया अब रांची रिम्स अस्पताल। विशेष अनुमति मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव और उनके दामाद विनीत यादव पहुंच चुके हैं रांची के रिम्स अस्पताल। फिलहाल स्वागत है आपका लाइव सीरीज में, मैं हूं आपके साथ आलोक। जिस तरीके से बड़ी खबर आप निकल के आ रही है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बिटिया हेमा यादव और उनके दामाद विनीत यादव पहुंच चुके हैं रांची के रिम्स अस्पताल विशेष अनुमति मिलने के बाद। जैसा कि आपको खबरों के माध्यम से हम लगातार बता रहे हैं, सुबह से ही पटना हाई कोर्ट से जब से ये फैसला निकल के आया है एपी शाही के खंडपीठ से कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें उनका आवास अब खाली करना पड़ेगा, अब छीन लिया जाएगा बंगला जो आवंटित किया गया था बतौर उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसके लपेटे में आ चुके हैं जीतनराम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्र, बहुत सारे नेता हैं जिनकी लिस्ट अब बन चुकी है, उन्हें उनका बंगला खाली करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को भी ये खबरें मिल जाएंगी उनकी बिटिया हेमा यादव से। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक बार फिर देखिए किस तरीके से उनकी बेटी और उनका दामाद पहुंच चुके हैं रांची के रिम्स अस्पताल विशेष अनुमति लेने के बाद। आपको पता होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जब मिलने गए थे अपने पिता लालू प्रसाद यादव से, तब अब खबरें निकल के आ रही हैं कि जाँच की जाएगी क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मिलने गए थे, जेल मैनुअल के हिसाब से वो उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। इस बात को देखते हुए विशेष अनुमति ली है लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव ने, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो लगातार ख़राब बताई जा रही है। हालांकि कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब उनकी तबीयत ठीक है, अपने पिता से मिलने जा पहुंची हैं हेमा यादव। देखने वाली बात ये होगी कि इन हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या लालू प्रसाद यादव अंदर से कुछ संदेश भिजवाएंगे, क्योंकि सुबह में ही राजद सांसद मनोज झा ने यह कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर अब जांच की जो तलवार है वो लटकने लगी है जब से वो लालू प्रसाद यादव से मिलकर आए हैं, कि प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है पूरे लालू परिवार को, शुरू से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या इस मुलाकात के बाद कोई अंदर से बयान निकल के आएगा या हेमा यादव ही अपने पिता से मिलकर आएंगी तो कुछ कहेंगी? जो कुछ भी कहेंगी उससे लाइव स्ट्रीम ज़रूर आप रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।